आज बिल्कुल आपको आज मिलवाने जा रहा हूँ बाजाहिर उन बुजुर्गों से। उम्र रसीदा ये बुजुर्ग हैं, बाबे बन चुके हैं, लेकिन इनके जो जज्बात हैं वो आज भी दीदनी हैं। और जंगे सितंबर में इन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे जो है वो सर अंजाम दिए हैं। इन्हीं की जुबानी हम जो है वो जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या काम जो है वो किया। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, बताइएगा आपका नाम क्या है और क्या काम आपने किया था? मेरा नाम हवालदार वली मोहम्मद है। पैंट की जंग में हमने हिस्सा लिया, उनका इलाका लिया, उनकी चौकी ली, उनका गांव लिया, दूसरा गांव भी लिया आधा दुश्मन का। सही। हाँ जी। अच्छा जी, कुछ और भी बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। आप बताइएगा जी, आपने क्या काम सर अंजाम दिया? मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मैं सेक्शन कमांडर था। अच्छा। तो अब इजाज जो है सुलेमान की पुल से आया सीधा, उस पुल से साड़ियाँ गन्ना लगी हुई सुन दिया, उन्होंने ज्यादा उन्होंने जाम नहीं दिता। वेरी गुड। अच्छा जी, आप भी बताएं जी, आपने क्या काम किया था? मैं भी हवलदार कमालदीन मेरा नाम है, और सन 71 में हमने हिस्सा लिया है और जहाज गिराने के एयरक्राफ्ट लगाई हुई थी और जहाज गिराते रहे हैं, और एक जहाज भी उनका दुश्मन का हमने जाने नहीं दिया, और 17 जहाजों का हमारा रिकॉर्ड है कि 17 जहाज हमने घेरे हैं। अच्छा जी, और भी हमारे साथ एक बाजार एक बुजुर्ग जो है वो मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि वो क्या कहें। अच्छा जी, आप बताइएगा आपने क्या क्या काम जो है वो सर अंजाम दिया वतन के दिफा के खातिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हवालदार अशरफ कलिया है। मेरा तलक पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिट 24 एफ अलबादर से है। हमें मशरकी पाकिस्तान में जंग लड़ा 71 की, और उसके बाद हम POW हो गए। 2.5 साल का मुसीबत इंडिया के सहने के बाद हम वापस आ गए और फिर यहाँ अपनी यूनिट में रहकर रिटायर हो गया हूँ। मैं आपको साथ ही ये भी बताऊं कि आज भी ये जो बुजुर्ग हैं, ये उम्र रसीदा जो बाबे हैं, ये पुरअज़म है कि वतन के दिफा के खातर, मुल्क मिल्लत के दिफा के लिए ये आज भी बिल्कुल इनके जज्बे जो है वो जवान हैं, और खुदा न खास्ता कभी अगर वक्त ने इन्हें आजमाया तो बिल्कुल जो बढ़ चढ़ के जो है वो अपने मुल्क मिल्लत के दिफा के खातर आगे अपना जो है वो किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ खसूसन आज यौम दिफा वतन के मौका पर दुश्मन के लिए इनका ये पैगाम है कि भारत 1965 याद है ना जी।